कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। देश की राजनीति के केंद्र में बहुत तेजी से अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। कल से ही ईडी में पेशी के बाद उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही थी। आम आदमी पार्टी ही दावा कर रही थी कि गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होने तो जाएंगे लेकिन घर वापस नहीं आएंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश के हर खासो आम की नजर में सुबह से ही ईडी व केजरीवाल पर टिकी हुई थी। पेशी पर अरविंद केजरीवाल आएंगे इसलिए ईडी दफ्तर पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई थी। ईडी की गिरफ्तारी से पूर्व वह राजघाट भी जा सकते हैं, इस संभावना को देखते हुए वहां भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। लेकिन ईडी की ऑपरेशन जेल पर आधारित पटकथा को एन वक्त पर केजरीवाल ने यह कहते हुए पलट दिया कि वह फिलहाल मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर निकल रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित व गैर कानूनी भी बताया है। उधर मेरठ में ईडी के जेल ऑपरेशन का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की भारी मौजूदगी में कमिश्नरी पर ईडी का पुतला भी फूंका है। देखिए मेरा नाम अंकुश चौधरी, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी मेरठ से। ये ईडी का पुतला तमाम पदाधिकारियों ने फूंका। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश इस देश में रची जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता बौखलाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया। ईडी का जो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को मिला है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर निकला है, आंदोलन करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस देश को सुचिता की ईमानदारी की राजनीति को सिखाया। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जिन्होंने सर्वोच्च शिक्षा के लिए बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, सत्येंद्र जैन ने अच्छे स्कूल बनाए, ये उन लोगों का गुनाह था। अरविंद केजरीवाल ने मॉडल ऑफ गवर्नेंस इस देश के अंदर देने का काम किया, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को मुद्दा बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। ये लोग घबराए हुए और नरेंद्र मोदी जी की 2024 में विदाई तय है, इसलिए तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को उनके शीर्ष नेतृत्व को नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के लिए ने उन लाखों तमाम युवाओं के लिए जो रोजगार के लिए सड़क पर दर दर घोंक दिखा रहे हैं, अगर उनको उम्मीद है तो अरविंद केजरीवाल से। इस देश में गवर्नेंस का मॉडल अरविंद केजरीवाल ने स्थापित किया, वो रुकने वाला नहीं है। हम लोग धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी की तानाशाही को बर्दाश्त आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और मुझे लगता है आम जनमानस नहीं करने वाला। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी।